Hey everyone, welcome back to our channel Agastya Vlogs। तो आज सुबह हो चुकी है, next day की morning हो चुकी है और हम अभी आए हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए। आज है अमावस और अमावस के स्नान का काफ़ी महत्व होता है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है आज। तो अभी हमारे आगे सो के उठा है, बस अभी हम आए हैं, तो चलते हैं नीचे हर की पौड़ी पे और आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे है सामने मंदिर, मंदिरों को केले खिलाते हैं अभी। बामा खिला रहे हैं, बामा, हमारा बेटा बामा कहता है। देखो ले रहे हैं, ले पकड़े नहीं, पेट भर रहा है, खान लग रहे हैं, खाने लग रहे हैं वो पहले ही, पहले ही खाने लग रहे हैं केले, पकड़े नहीं। ये देखो भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, पुल के उस साइड भी, पुल के इस साइड भी, लोग ही लोग दिख रहे हैं आज, तो बहुत नजायज भीड़ है। अमावस चलते हैं, काफी भीड़ है। मैं हूँ, ये देखो हमारा बेबी कैसे जिद कर रहे हैं मैं के पास जाने के लिए। दिखाओ इसको, छोड़ दे नीचे, छोड़ दे, कोई नहीं, छोड़ दे। कुछ नहीं कहती है, ऐसे कुछ नहीं कहती, लगा ले हाथ, लगा लेगी, लगी हाथ लगाओ। ओह माय गॉड, बच्चा तो कह रहे ना सांप ही पकड़ ले। चल चलो, कुछ हो गया, ले रत्ता 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 रत्ता। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं 5 नंबर पे, यहाँ पे हमने सामान वगैरह रखा है, फिर चलते हैं अंदर स्नान करने के लिए। भीड़ तो भाई बहुत है और वहाँ पे वो प्राचीन मंदिर सबसे है जो गंगा माता का। और इधर सामने चंडी माता का भवन है, पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है, पर अभी हम जा नहीं पाए ना क्योंकि हमारा एगी हमें ज्यादा परेशान करता है, तो दूर से ही दर्शन कर लेते हो रहा, जहाँ पे वो झंडा दिख रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शुक्रताल में, आगे हनुमान धाम है, गंगा घाट भी है और सुखदेव जी का आश्रम भी है। चलते हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मुख्य द्वार से, अंदर जाएंगे, ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से चढ़ाई है, कार पार्किंग इधर है, चढ़ाई शुरू होती है और हमारा एगी कहता मैं तो नहीं चलूंगा, गोदी उठा के जाना पड़ेगा इसको। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे जो मेन मंदिर है वहाँ पे, यहाँ की काफ़ी मान्यता है, यहाँ पे माना जाता है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित को सारी स्टोरी सुनाई थी, सारी भगवद गीता सुनाई थी, जो भी मनु के बेटे थे, अराउंड 5000 ईयर्स पहले की बात है। ये चीज़ हमें भी यहाँ आके पता चली है कि हमारे हिंदू धर्म में ये सब है, नहीं तो हमें पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, बट ठीक है आना चाहिए हर जगह पे, तो सब चीज़ों का पता चलता रहता है कि क्या चीज़ है यहाँ पे क्या नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी के दर्शन, फिर आगे कुछ और, सबसे पहले गणपति जी। और यही है जो वट वृक्ष है, जो यहाँ पे ही सुनाई थी सुखदेव जी ने कहानी सारी भगवद गीता की, ये वही है, 5000 पहले से है ये वट यहाँ पे। ये देखो कितना बड़ा है वृक्ष, कितना बड़ा, मतलब कैमरा उस चीज को दिखा नहीं सकता, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, ये कितना पुराना है, बहुत मान्यता है यहाँ की। यहाँ पे सुनाई थी सुखदेव जी ने परीक्षित को वो सारी भगवद गीता की कहानी, बहुत बड़ा है।
और ये देखो जो मैं आपको बता रही थी ना कि सुखदेव जी ने सुनाई थी परीक्षित को वो सारी भगवद गीता की कहानी, और ये वो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे वो बैठे हैं, दिखाया हुआ है सब। आ जाओ सर, यही वो प्राचीन मंदिर है, 5000 साल पहले की बात है ये। कृष्ण जी जय जय में श्री कृष्ण जी हैं और साइड में परीक्षित और सुखदेव हैं। और यहाँ पे सुखदेव चरण दास जी का मंदिर, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है हमारे इतिहास के बारे में। तो ये देखो ये जो वट है यहाँ तक फैला हुआ है, इसकी काफी दूर तक है। अभी हम ऊपर थे, अभी ऊपर से नीचे आए हैं, तो यहाँ पे सारा कवर किया हुआ है ताकि मतलब कोई भी इसको हार्म ना कर सके, कट ना कर सके, काफी दूर तक है। और यहाँ पे मंदिर का सारा इतिहास लिखा हुआ है, आप इसको रोक के यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे इस वृक्ष के बारे में, जो सबसे बड़ा वृक्ष है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे यज्ञशाला, अगर किसी को भी यज्ञ करवाना हो तो यहाँ पे अलग बनाया हुआ है यज्ञ के लिए। और कल से यहाँ मंदिर में जैसे भागवत स्टार्ट है, पूरी कथा सुनाएंगे भागवत की, तो सबसे पहले भागवत यहाँ पे यज्ञ किया गया है, उसके बाद ही शुरू होएगा सब कुछ। तो अभी हमने दर्शन कर लिए अंदर, हमें काफ़ी कुछ पता लगा इतिहास के बारे में, हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिली जो कि हमें पहले नहीं पता थी, इसलिए हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। बस अब चलते हैं सीधे घर, रास्ते में लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद आई थिंक 5 आवर्स की ड्राइव है यहाँ से गुड़गांव तक की, तो फिर चलते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और जल्दी ही हम आपको मिलेंगे एक नई ट्रैवल सीरीज़ के साथ। बाय बाय।